हाय, आप देख रहे हैं लल्लनटॉप। राम गोपाल वर्मा की नई फिल्म आ रही है। आप सोच रहे होंगे कि रामू की एक फिल्म का ट्रेलर कुछ ही दिन पहले तो आया था, फिर से क्या हो गया? उनकी दूसरी फिल्म का टीजर आ गया है और ये जो टीजर है वो ऐसा है जिसे देखकर ट्रेलर भी शर्म से नजरें झुका ले। पहले ही टीजर पर उतर आए फिल्म का नाम तो बताया ही नहीं। कुछ दिन पहले कम्मा राज्यम लो कडापा रेडलू नाम की एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म का ट्रेलर आया था और आज जिस फिल्म के बारे में बात हम करने जा रहे हैं उसका नाम है एंटर द गर्ल ड्रैगन। लोग कहते हैं कि रामू का दौर बीत गया, आजकल ऐसा नहीं लग रहा। उनकी नई वाली फिल्म के बारे में सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक हर जगह बातें हो रही हैं। इनमें से अधिकतर मामले नेगेटिव ही हैं। चर्चा में होने की वजह समेत फिल्म से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो पहली बात तो ये है कि रामू हमेशा बताते रहे हैं कि वो ब्रूस ली के बड़े वाले फ़ैन हैं। ये फिल्म उन्हें ही ट्रिब्यूट देने के लिए बनाई गई है। इस फिल्म पर इंडिया और चाइना के प्रोड्यूसर्स ने मिलकर पैसा लगाया है। ब्रूस ली के 80वें जन्मदिन के मौके पर एंटर द गर्ल ड्रैगन का टीजर रिलीज किया गया। 3.5 मिनट लंबे इस टीजर में हमें फिल्म की मेन किरदार के बारे में पता चलता है, जो कि भयानक एक्शन करती नजर आ रही है। साथ में टेंशन और थ्रिल को मिक्स करने पर बनने वाला बैकग्राउंड स्कोर चलता रहता है और बीच बीच में ब्रूस ली के कुछ कोट्स भी सुनाई दिखाई देते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक फिल्म की कहानी का सवाल है तो टीजर खुद बताता है कि ये एक लव ट्रायंगल है। जनता को बस ये गेस करना है कि कहानी में उस लड़की के अलावा दो और लोग कौन हैं। ये दो लोग हैं, लड़की यानी लीडिंग लेडी का बॉयफ्रेंड और उसका आइडल ब्रूस ली। फिलहाल जो कहानी पता चल रही है वो ये है कि लड़की ब्रूस ली की बड़ी फैन है, उन्हें देखकर मार्शल आर्ट वगैरह सीखा है। यही मार्शल आर्ट उसे सोसाइटी से निपटने में भी मदद करता है। फिर लड़की को प्यार होता है और इस संबंध में आने वाली दिक्कतों की वजह बनते हैं ब्रूस ली। ये सब चीज़ें वो लड़की कैसे हैंडल करती है, यही फिल्म की कहानी होने वाली है। तीसरी बात, इस फिल्म में भरपूर एक्शन दिखाई दे रहा है। पहली झलक में तो ये मर्द को दर्द नहीं होता की याद दिला देती है। इस फिल्म की एक चीज़ जो अच्छी लग रही है वो ये है कि अब महिलाओं को भी केंद्र में रखकर फुल ऑन एक्शन फिल्में बनाई जा रही हैं, सोची जा रही हैं। अभी पिछले दिनों कंगना की धाकड़ का टीज़र लॉन्च किया गया था जिसमें वो भी एक्शन करती दिखाई दे रही हैं। लेकिन एंटर द गर्ल ड्रैगन के साथ एक दिक्कत है, इस टीज़र में जितना एक्शन है उतना ही स्किन शो भी, जो कि कई जगहों पर बेवजह लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझकर इस फिल्म को सेंसेशनलाइज करने के मकसद से ही किया गया हो। इसी चीज़ के बारे में लगातार चर्चा हो रही है। जनता का ये मानना है कि एक तरफ आप महिला सशक्तिकरण जैसे मसले को इतनी मजबूती से उठा रहे हो और दूसरी तरफ उसे सेक्सुअलाइज भी कर रहे हो। हालांकि फिल्म के उस सीन की तारीफ भी हो रही है जहां अपनी हीरोइन साड़ी पहनकर मंचलों को लात घूसों से सबक सिखा रही है। चौथी बात, इस फिल्म में लीड रोल कर रही हैं पूजा भालेकर। ये पूजा की डेब्यू फिल्म है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रामू ने इस फिल्म के लिए पूजा को चुना और ख़ास तौर पर मार्शल आर्ट और बाकी एक्शन जो टेक्निक्स हैं उसकी ट्रेनिंग दिलवाई। एक्शन फ्रंट पर पूजा अच्छी लग रही है लेकिन एक्टिंग वाले मामले में वो थोड़ी कच्ची तो लग रही है। हमारे इतने सारे ज्ञान देने का मतलब ये नहीं है कि आप फिल्म देखने ही ऐसी पूर्वाग्रह के साथ जाएं। आप अपने हिसाब से देखें और तय करें। अच्छा, पांचवी बात यह है कि फिल्म को राम गोपाल वर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं। अपने टाइम के रियलिस्टिक, हार्ड हिटिंग और क्रिटिकली एक्लेम डायरेक्टर्स में से गिने जाते हैं वो, लेकिन उनकी आखिरी सफल हिंदी फिल्म सरकार राज थी जो कि 2008 में आई थी। पिछले 11 सालों में रामू छिटपुट तौर पर ही सफलता का मुंह देख पाए हैं। खैर, एंटर द गर्ल ड्रैगन को रामू इंडिया की पहली मार्शल आर्ट फिल्म बता रहे हैं, साथ ही वो इसे अपनी सबसे ज़्यादा इमोशनल जुड़ाव वाली फिल्म भी कह रहे हैं। अभी फिल्म का टीजर आया है, ट्रेलर 13 दिसंबर को ब्रूस ली के शहर पोशन में रिलीज किया जाएगा। आप जाइए और टीजर देखिए, आपको कैसा लग रहा है बताइए हमें। बाकी ट्रेलर की वेट करते हैं कि उसमें क्या और देखने को मिलता है। ऐसी और खबरों के लिए सिनेमा जगत की आप लल्लन टॉप पर बने रहें और हमें बताते रहें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। हमारी 10 मिलियन की फैमिली को यूट्यूब पर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, छोटा सा बेल आइकन उसे प्रेस कर दें ताकि जैसे हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।